राजकुमार सिद्धार्थ के पीरियड में संघ था, महापंचायत थी। उस समय पर साक्य और कोलियों में झगड़ा होता था अनुमा नदी के पानी को लेकर के। तो राजकुमार सिद्धार्थ जब वयस्क हुआ तो उसने उसका विरोध किया और ये कहा कि पानी के लिए खून बहाना ये उचित नहीं है, आप दो साक्य चुनो, दो कोली चुनो और चारों मिलकर एक पांचवा आदमी नियुक्त करो, जो वो फैसला करे वो मान्य होना चाहिए। तो लोगों ने उसकी बात का विरोध किया। उस समय उसका बाप राजा था, चाहता तो वो उसकी सजा को माफ करा सकता था, लेकिन राजा भी उस समय राजा नहीं था, वो महापंचायत का सदस्य था, यानी संघ था। संघ के निर्णय के विरुद्ध कोई राजा हो, चौकीदार हो, कोई भी जा नहीं सकता था। लिहाजा संघ का ये नियम था, अगर बात नहीं मानी तो उसकी संपत्ति जब्त कर लो, या उसको देश निकाला दे दो, या उसकी जो है उसके जीवन लीला को समाप्त करो। राजकुमार ने बोला, संपत्ति को मेरी को मत लो, क्योंकि संपत्ति मेरी नहीं, मेरे बाप की संपत्ति है। देश निकाला, आप मुझे क्या देंगे, मैं खुद ही देश छोड़ के जा रहा हूँ, इसलिए मेरी हत्या करने की आवश्यकता नहीं है, मुझे सजाए मौत दें आप। वो चला गया और उसने अनुसंधान किया। क्या अनुसंधान किया? अनुसंधान करते करते उसने ये पाया कि मैं ही अपने आप में उलझ रहा हूँ और मैं ही अपने आप में सुलझ रहा हूँ। मैं आपको ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जितने भी ये चैनल वाले हैं, आप कभी भी कोई मेरे सामने मुझे आकर के मान लो नमोबुद्धाय करता है, बहुत से बंदे खुश होते हैं, अरे मेरे को इतना लोग प्रणाम करते हैं, मैं बहुत महान हूँ, ये उस बंदे का सोचना जो है पागलपन है, क्योंकि वो उसकी महानता नहीं है। मेरा कर्म ही आदमी के जिस्म से प्रतिबिंबित होकर के टकरा करके जब मेरे पर ही आकर के प्रतिबिंबित होता है, तो मेरा कर्म ही मुझको झुक रहा है और मुझे ये लग रहा है कि वो आदमी मुझको झुक रहा है। जैसे मैं अगर भरी सभा के बीच में किसी लड़की को जाके चूम लूँ तो मुझे आप बताओ लोग मेरी पूजा करेंगे कि मेरी ठुकाई करेंगे? बोलो, ठुकाई करेंगे नहीं करेंगे? ये बहुत बदमाश है, ये लड़की को चूम रहा है, उसको जाकर के जो है। यदि मेरा कर्म जो है पवित्र है, मन शुद्ध है, तो यहाँ समझने की चीज क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा हसीन स्वरूप जो किसी भिक्षु के चरणों में गिर जाता है वो कितना महान है। जिस रूप को पाने के लिए आदमी लाखों रुपया खर्च करता है, ब्याह शादी करता है, जब एक रात की दुल्हन बन के आती है, जब वो स्वागरात बनाता है और ख्वाब देखता है, वो उसके पैरों में गिरा हुआ है, क्योंकि वो रूप के रूपांतर को जानता है। रूप और रुपया दोनों परिवर्तनशील हैं, गतिशील हैं, चलायमान हैं, ये हमेशा बदलते रहते हैं। इसलिए ज्ञानी पुरुष जो है न रूप के चक्कर में पड़ता है और न वो रुपये के चक्कर में पड़ता है, वो उससे अलग रहता है। तो जब ये रूप परिवर्तनशील है, जीवन के दो किनारे हैं, जन्म लेना और मृत्यु को प्राप्त करना, आदमी पैदा होगा उसके बाद मर जाएगा। जो भी आदमी किसी भी धर्म को मानने वाला है, जब उसे तकलीफ होगी, जब उसे परेशानी होगी, जब वो भूखों मरेगा, जब उसे न्याय नहीं मिलेगा, जब उस पर अन्याचार होगा, जब उसकी ठुकाई होगी, जब उसे घुसने नहीं देंगे, जब उसे परेशान करेंगे, तो मुझे आप बताओ, जिस कमरे में कोई पिट रहा है, जिस कमरे में कोई घुट रहा है, जिसको रोटी नहीं मिल रही है, वो अपनी जान बचाने के लिए उस कमरे से भागेगा कि नहीं भागेगा? अपनी जान बचाने के लिए भागेगा नहीं भागेगा? कुछ कथावाचक हैं, वो लगातार बयान ये दे रहे हैं कि आप जो है लोगों को बहला फुसला कर वो ईश्वर के रास्ते से हटा रहे हैं, और जो है कि वो सभी नरक में जाएंगे, वो लोग, आप भी और वो लोग भी। मैं देखो, मुझे तो यानी दया आती है कथावाचकों के ऊपर, क्योंकि वो हमसे कह रहे हैं कि ईश्वर से भटका रहे हैं, सही माने में तो वो ही भटका रहे हैं। जो भी नारियां वहाँ जाती हैं और तान लेकर के नाचने लगती हैं, यानी जो योगी है, कथावाचक है, वो अपने उंगलियों के ऊपर उनको नचा रहे हैं, किनको? उन महिलाओं को नचा रहे हैं, और वो क्या कह रहे हैं, ईश्वर की भावना में नाच रही हैं वो। तो मैं लोगों से ये जानना चाहता हूँ, कोई दुनिया का योगी अगर गोपिकाओं के वस्त्रों को लेकर के पेड़ पर चढ़ जाए
और कहे कि इस पानी के अंदर देवता का वास है जिसमें तुम नग्न नहा रही हो, इसलिए प्राश्चित स्वरूप हाथ जोड़ करके ऊपर हाथ खड़े करो और मेरे सामने प्राश्चित करो। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ आखिर उसके मन में क्या है, वो हाथ जोड़ के ऊपर खड़ा करके उनको बोलना चाहता है पानी में खड़ी हो जाओ, वो तो ऑलरेडी पानी में नंगी है और हाथ जोड़ करके जब ऊपर हाथ कर लेगी तो क्या देखना चाहता है, क्या उसके मन में है। मैं ये कहूँगा जितने भी कथावाचक है उनमें से मुझे एक भी बता दे, यानी देवकी नंदन ही मुझे बता दे, क्या कभी उसकी कृष्ण कन्हैया से मुलाकात हुई, क्या कभी कृष्ण कन्हैया उनके पास आए, क्या वो राधा से कह गए थे कि मैं अभी आ रहा हूँ, बरसाने जाते समय बोल के मैं अभी आता हूँ, वो राधा आज भी बैठी वृंदावन में उसकी तलाश में बैठी हुई है और वो कन्हैया आज तक नहीं आया, मैं ये जानना चाहता हूँ क्या है, एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। शेष गणेश महेश जाहु निरंतर गामे ताय अनाद अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बतामे, नारद से मुन प्यास रहे पचे हारे तउप निपार न पामे, और ताय अहीर की छोहरिया चचियाबर छाचप नाच नचावे। यानी वो योगी राजकृष्ण, मैं देखिए उनकी प्रशंसा कर रहा हूँ, वो योगी राजकृष्ण जो अनंत हैं अखंड हैं, जिसे छेद नहीं सकता, जिसे वेद नहीं पा सकते, जिसे पुराण नहीं पा सकती, जिसे नारद मुनि जैसे तपस्या करते थक गए उनको भी दर्शन नहीं हुए, वो कृष्ण योगी राज अहीरों की लड़कियों की एक बार खोच पर छाछ पर नाच रहे हैं, तो क्या वो छाछ के दीवाने थे, या वो गोपिकाओं के दीवाने थे, या वो योगी थे, या वो कर्म योगी थे, या वो निरंकारी थे निर्वकार थे, या वो साक्षात्कार थे घट घट में व्यापक थे हर घर में थे रोम रोम में थे, तो क्या वो योगी चोर है, क्या वो योगी हत्यारा है, क्या वो योगी भ्रष्ट है, क्या वो योगी बदमाश है, क्योंकि वो तो रोम रोम के अंदर है, मगर उसके पत्ता नहीं हिलता है, मगर उसके जन्म नहीं लेता आदमी, मगर उसके कुछ होता नहीं है, वो कर्म करो तुम दंड वो देने वाला है, रिक्शा मैं चलाऊंगा पैसा वो देगा, अगर आज की इस थोड़ी पर आदमी चलेगा तो उसके बच्चे भूखे मर जाएंगे, है ना। इसलिए जितने कथावाचक है उनको ये डर है कि अगर महिलाओं को ज्ञान हो गया, दुनिया की कोई भी महिला हो, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, कोई भी दुनिया की महिला किसी मंदिर में जाए, किसी भी देवी के पास जाए, किसी की भी पूजा करे, किसी भी योगी की कथा सुने, किसी की भी भागवत सुने, यदि वो अपने मन से अपने पति को अच्छे ढंग से भोजन बना के नहीं देती है, अपने पति से अपने मन से प्यार नहीं करती है, अपने मन से अपने पति के साथ जीने मरण का संकट नहीं लेती है, कोई भी नारी पति के सुख दुख में काम नहीं आती है, कोई भी पति पत्नी के सुख दुख में काम नहीं आता है, वो नारी किसी भी देवता की शरण में चली जाए, कोई भी दुनिया का देवता उसकी रक्षा नहीं कर सकता है। अगर कपड़ा लाके देगा, अगर पेट भर रोटी देगा, अगर प्यार करेगा, यदि मोहब्बत करेगा तो उसका पति करेगा, उसको चाहने वाला करेगा, कभी भी कोई ऊपर से देवी देवता आकर के उसको अपने गले का हार नहीं बनाएगा, ना ही कोई उसको साड़ी खरीदेगा।